बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरुदो सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हामिद खान यूसुफ़ज़ई वाई टेपल कम्युनिकेशन की तरफ से। आज हम एक नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ, रियलमी ने C65 मॉडल जो है लॉन्च किया है जी। ऑफिशियली सेल डेट जो है 5 डेट है आपके साथ। मैं रिव्यू शेयर कर रहा हूँ फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन है, जो लुक है, मैं आपके साथ मैंने सोचा वीडियो में आके शेयर करूँ। तो आते हैं जी C65 की जानिब। हमारे पास स्टार लाइट ब्लैक कलर मेरे पास अवेलेबल है, स्टार लाइट शाइनिंग बैक के साथ, नई लुक के साथ ये फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक के साथ फ़ोन नज़र आ रहा है। नई लुक के साथ है, नई लुक तो नहीं कहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है सैमसंग का S21 फ़ोन जो था बिल्कुल उसकी तरह लुक उन्होंने दी है। लेकिन आजकल जो डिज़ाइन वगैरह चल रहे हैं, आईफोन शेप हो गई या गोल राउंड कैमरा हो गया जिससे लोग उकता गए हैं, उससे काफ़ी ही बेहतर लुक के साथ ये नज़र आ रहा है। तो फ़ोन के अगर वेट को देखें तो काफ़ी लाइट वेट है, 185 ग्राम के साथ काफ़ी स्लिम फोन उन्होंने दिया है। 7.64 mm स्लिमनेस के साथ ये फ़ोन उन्होंने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि जितना ही फ़ोन लाइट वेट होगा, हैंडी फ़ोन होगा, तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो आते हैं जी बाकी स्पेक्स की जानेब। सबसे पहले चिपसेट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। चिपसेट इन्होंने इसमें जो दिया है जी, वो ओल्ड चिपसेट ही है, मीडियाटेक G85 12 nm चिपसेट दिया है। इसके अलावा रैम रोम की जानेब आएंगे, 8+8 GB रैम, 256 GB रोम के साथ 50 MP AI रियर कैमरा प्लस 5 MP सेल्फी कैमरा की जानेंगे तो 8 MP कैमरा दिया है। डिस्प्ले की जानेब आएंगे तो 6.67 इंच जो है डिस्प्ले का साइज इन्होंने दिया है जी। पंच होल डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आई कंफर्ट डिस्प्ले है जी, जो कि डिस्प्ले क्वालिटी की जो क्वालिटी है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बैटरी की जानेब आएंगे तो 5000 mAh बैटरी है, 45 वाट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। सबसे पहले मैं आपके साथ जो है डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच IPS 16.7 million मल्टी टच कलर के साथ जो है ये फ़ोन उन्होंने दिया है। डिस्प्ले की क्वालिटी अगर देखें तो IPS डिस्प्ले क्वालिटी दी है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि रेजोल्यूशन जो है 720x1604 जो है रेजोल्यूशन उन्होंने इसमें दिया है। और इसके अलावा आते हैं सेल्फी कैमरे की जानेब। सेल्फी कैमरे की जानेब आएंगे जी तो रियर कैमरे की जानेब 50 MP रियर कैमरा उन्होंने दिया है। कैमरे की क्वालिटी देखें तो काफ़ी ही बेहतर नज़र आ रहा है। 10x जूम के साथ जो है ये फ़ोन का जो कैमरा है ये दिया है, 10x जूम है। इसके अलावा सेल्फी कैमरे की जानेब आएंगे, 8 MP रियर कैमरा उन्होंने दिया है जी। क्योंकि कैमरे की क्वालिटी देखें तो रियर कैमरा हो गया या सेल्फी हो गया, दोनों ही बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन की जानेब आएंगे तो पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी है। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, आप इस फ़ोन से भी जो है आप अखरोट वगैरह तोड़ सकते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में Reno 12F जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसकी तरह बिल्कुल सेम जो है आप जो है रियलमी के C65 से भी जो है अखरोट वगैरह तोड़ सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप अखरोट ही तोड़ते रहें, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन काफ़ी ही मजबूत इन्होंने दी है। जिस तरह आजकल घर में मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं आजकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है आजकल जो नई नस्ल है, ज़्यादातर स्क्रीन वगैरह तोड़ देते हैं या दांतों से जो है चक वगैरह मार देते हैं, तो उस चीज़ की टेंशन से आप बिल्कुल ही खलास हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन के साथ दी है। IP54 की जो है वाटर एंड डस्ट जो है रेटिंग उन्होंने दी है। तो लुक वाइज देखें, स्पेसिफिकेशन वाइज देखें, तो फ़ोन जो है मेरे जहन में एक जो एक और बात आई है, क्योंकि लास्ट से लास्ट वीडियो जो थी वीवो के Y28, जो कि प्राइस टैग में देखें तो ये भी 50,000 ऑफिशियल है, वो भी 50,000 ऑफिशियल था। तो उसकी नस्बत मैं आपको सजेशन देता हूं, क्योंकि Y28 से कैमरे वाइज देखें तो काफ़ी बेहतर है, डिस्प्ले क्वालिटी सा वाइज देखें तो ये काफ़ी बेहतर है उससे। इसके अलावा प्रोटेक्शन देखें तो स्क्रीन की ये उससे काफ़ी बेहतर है। सिर्फ उसकी जो है बैटरी जो थी 6000 mAh बैटरी थी, क्योंकि हर बंदा 6000 mAh बैटरी नहीं लेता, क्योंकि 5000 mAh बैटरी भी काफ़ी ही है। क्योंकि इसके अलावा वो 8x128 था और ये 8 GB प्लस 256 GB रैम के साथ। दूसरा जो रैम है 8+8 GB रैम LPDDR4X रैम के साथ जो है फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है। टाइप सी पोर्ट उन्होंने दी है जी, टाइप सी पोर्ट के साथ जो है 3.5 mm जैक उन्होंने दिया, नॉर्मल जैक उन्होंने दिया, जो कि अक्सर लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि यार तो हैंडफ्री की जगह ही नहीं, इसको क्या करेंगे इसके साथ, क्योंकि भाई बातें काफ़ी आगे चली जा चुकी हैं, आपको उसके साथ खुद को एडजस्ट करना था। लेकिन बहरहाल इसमें 3.5 mm जैक इन्होंने दिया है। और स्पीकर देखें तो पावरफुल स्पीकर दिया, क्योंकि वॉल्यूम जो है 200 तक वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो
फर्स्ट सेल डे है, जो ऑफिशियल सेल डे है वो 5 अगस्त को जो है फर्स्ट सेल डे है। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है तो आप प्री बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल रिव्यू देखें तो इस फ़ोन में एक तो लाइट वेट है, हैंडी फ़ोन है, जो कि अक्सर लोग स्लिम फ़ोन ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन चिपसेट की जानिब अगर आएंगे देखें तो चिपसेट में मायूस कौन है, क्योंकि ज़्यादातर मैं कमेंट्स वगैरह देख रहता हूँ हमारे पाकिस्तानी, बल्कि मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि इनको चिपसेट को जो है अपडेट देना चाहिए। G85 हो गया और स्नैपड्रैगन 685 हो गया, इसके पीछे ही पड़े हुए हैं जी ये, क्योंकि इनसे जान छुड़ानी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर ओवरऑल देखें तो 256 GB रैम के साथ 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन जो है काफ़ी ही बेहतर है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी मैंने देखी है, कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, सेल्फी भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा था। 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ जो है फ़ोन उन्होंने दिया है। 50,000 प्राइस टैग है ऑफिशियल और 47,000 समथिंग में ये जो है इंशाल्लाह आपको सेल के लिए अवेलेबल होगा 5 अगस्त को। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पहले भी प्रीबुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके साथ कवर दिया है सिलिकॉन का नॉर्मल कवर दिया है, मैं आपके साथ ये शेयर करूं कवर में, जो कि स्टार्ट में नॉर्मल सिंपल कवर देता है क्योंकि कुछ ना होने से ये सिंपल कवर ही बेहतर है, क्योंकि स्टार्ट में जब फ़ोन लॉन्च होता है तो कवर वगैरह बिल्कुल साथ ही स्टार्ट नहीं होते, कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होते, तब तक आपके लिए कवर भी जो है बेस्ट रहेगा। तो ये फ़ोन जो है अगर आपको पसंद आती है, अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको फ़ोन, तो आपकी चॉइस से पसंद आए ना आए वो तो आपके अपना एक रिव्यू है। तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।